नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, इन पांच परिस्थितियों में बिना सोचे विचारे आंख मूंद कर माणिक पहन लेना चाहिए। और जो कंडीशन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वह जीवन में तभी बनती है जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में और जीवन में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। नंबर एक, आँखों में कमजोरी है, आँखों की रोशनी लगातार कम हो रही है, सर दर्द रहता है या सर में किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या लगातार बनी रहती है, तो आपको बिना विचार किए माणिक रत्न तांबे या सोने की अंगूठी में धारण कर लेना चाहिए। वीडियो के लास्ट में माणिक रत्न धारण करने की विधि, इसके पहचान, इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊँगा। नंबर दो, अगर हड्डियाँ कमज़ोर है, बार बार हड्डी में चोट लगती है या हड्डी में कोई गंभीर चोट लग चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को माणिक पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वह हमारी ज्योतिष में हड्डियों के कारक होते हैं। नंबर तीन, हार्ट के कमज़ोर होने पर आपका दिल कमज़ोर है, घबराहट बनती है, हकलाना तुतलाना जैसी समस्या है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो भी आपको माणिक पहन लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य यदि आपके जीवन में कमज़ोर फल आपको प्रदान कर रहा है तो व्यक्ति के हार्ट में प्रॉब्लम होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। नंबर चार, यदि किसी को खाया पिया नहीं लगता, कितना भी आप खाते पीते हैं लेकिन वह आपके चेहरे पर या आपकी बॉडी में दिखाई नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं आप कमज़ोर बने रहते हैं, आपकी आपका पेट खराब रहता है या आपको खाया पिया नहीं लगता, तो ऐसी परिस्थिति में माणिक पहनना चाहिए, जो कि सूर्य ऊर्जा के कारक हैं और माणिक जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं बॉडी में उनको डेवलप करता है, और कहीं ना कहीं बड़ा भारी लाभ माणिक पहनने से जीवन में देखा गया है। यदि बार बार बिना गलती किए अपमान होता है, परिवार के लोग झिलकारते हैं, परिवार के लोग बार बार अपमान करते हैं, जहां मतलब आप कोई गलत काम नहीं करते लेकिन फिर भी आपको सम्मान नहीं मिलता, दैट कंडीशन, और आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सूर्य जो है कहीं ना कहीं हमारी ज्योतिष में राजकार्य कारक माने जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको माणिक रत्न पहनना चाहिए। साथ ही साथ में यदि आपका व्यापार ऊन का है या ऊनी कपड़ों का है, किसी भी फॉर्मेट में रेडीमेड गारमेंट्स का आपका व्यापार है, लकड़ी से संबंधित आपका व्यापार है, दालों का और अनाज से संबंधित आपका व्यापार है, तो भी माणिक रत्न आपको धारण कर लेना चाहिए। अब थोड़ी सी बातचीत वीडियो के लास्ट में माणिक रत्न पर कर लेते हैं। माणिक रत्न तांबे की अंगूठी में बनवाना चाहिए, जिस लैब से आप जहाँ से आप माणिक खरीदो, आपका माणिक लैब टेस्ट होना चाहिए और लैब सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए, वेरीफाई ऑफ कोरोनम, नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, नो ट्रीटमेंट, यानी कि नेचुरल आपका स्टोन होना चाहिए। आपका माणिक 5, 7, 9 या 11 रत्ती का हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। माणिक रत्न इस सारी दुनिया में बर्मा, ओल्ड बर्मा का सबसे अच्छा आता है, काफ़ी महंगा होता है, उसके बाद में साउथ अफ्रीका माइन का नेचुरल माणिक भी काफ़ी बेहतर माना जाता है, इंडियन माणिक का भी अपना स्थान है, लेकिन माणिक जहां का भी हो साफ सुथरा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, दाग धब्बे स्क्रैच नहीं होना चाहिए, तभी वह आपको अच्छा फल देने में सक्षम होता है। माणिक रत्न रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक सूर्य की होरा में पंचामृत में माणिक की अंगूठी डाल करके मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। यह मंत्र के जाप बाद में इस उंगली में, ये अनामिका यानी कि रिंग फिंगर में आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए। माणिक रत्न धारण करने वाले व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, इससे आपका रत्न शक्तिशाली बना रहता है। कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही रत्नों से संबंधित जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कारम।